चलिए नेक्स्ट टारगेट है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा टारगेट है डोमेन को डिटरमाइन करना। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बाहर है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे देखो दो तीन कंडीशन बनेगी। पहले इससे पूछो अंडर रूट में है पूरा, नहीं अंडर रूट में जब है तो ये बोलेगा कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, उसकी खास बात ये होनी चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पहली बात कि 0.4 यहाँ पे x माइनस वन अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों, क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे कुछ इस टाइप का है, ऐसे है जी एक्स। तो जी एक्स जो भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहले तो ये मिल गया भाई, इस अंडर रूट वाले से पूछे भाई तुमको कोई प्रॉब्लम है, तो बोला ना कि ये क्या हो, इसकी खास बात होनी चाहिए कि ये कुछ इस टाइप का होना चाहिए। पहली बात, ठीक है, तो ये तो काम खत्म हो गया इनका। फिर अब आते हैं इसके अंदर लॉग है। अब लॉग में क्या खास बात है कि ये 0.4 है और यहाँ पे सॉरी लॉग समथिंग एट, ये है कि हमने क्या बताया था लॉग के बारे में कि लॉग ए एट बेस बी हो तो क्या खास बात होनी चाहिए कि बी जो है नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, मस्ट है। ठीक है, तभी बात आगे बनेगी, उसके बाद नहीं तो नहीं। कि ठीक है बी वन के बराबर भी नहीं है, ठीक है, और बी ग्रेटर देन जीरो भी है। और तो अब आते ए पे, ए कौन सा, ये वाला पार्ट। ये बोलेगा कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं फिर इसके बाद आते हैं कहाँ पे, तो पहले इससे ये दिखा, फिर इस वाले से ये दिखा, और इस वाले से ये कंडीशन मिलेगी क्या कि 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इतना तो ठीक है, इससे पूछ लिया। अब बात करते हैं ये जो फंक्शन है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, तो ये क्या नहीं होना चाहिए कि 1 बाई अगर टी एक्स है कोई फंक्शन है, पी एक्स क्यू एक्स कुछ भी मान लो, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये तो इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये कहेगा सर जीरो छोड़ के मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6 छोड़ के हमको सब एक्सेप्टेबल है, ये बोलेगा। नहीं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटिव माइनस यहाँ पे क्या लिखेगा प्लस माइनस 6, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो हमको बेसिकली क्या फोकस करना है, इन यहाँ से देखना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू और यहाँ से, और फिर लास्ट में क्या करते हैं हमको ऐसी एक्स की वैल्यू को सेलेक्ट करना है जो क्या करे तीनों को सेटिस्फाई कर दे, तीनों पे कॉमन, तीनों के लिए इफेक्टिव हो, मतलब ऐसा वैल्यू एक्स की वैल्यू, तो वही क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा बस। नहीं तो पहला टारगेट ये होता है कि स्टार्ट कैसे करें, तो पहले स्टार्ट कैसे करें वो पे पता चल गया, फिर इसके बाद एग्जाम में कैसे पहुँचेंगे। स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो गई तो फिर गया, पूरी मेहनत चौपट हो जाएगी। तो दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू स्टार्ट, सबको स्टेप बाय स्टेप पूछो, घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टेप तो बढ़ाओ। ठीक है, अब यहाँ से, अब देखो यहाँ पे क्या है 0.4, यहाँ पे क्या बेस वन से कम है तो इक्वलिटी, जब ये इधर जाएगा तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है, 1 x-1 upon x+5 इन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वन से कम है, लॉग की प्रॉपर्टी का करस्पॉन्डिंग, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी में हमने बता रखा है। ठीक है, क्यों होता है प्रूव करके दिखाया था। ठीक है खैर, अब आते हैं इस पर, तो बस हमको ये वन हो गया, ये x-1 upon x+5, और हमने बताया था जब भी इस टाइप का दिखे तो ये नहीं तुरंत इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो, नहीं, क्योंकि हमको x के बारे में पता नहीं है। हाँ अगर नीचे वाला पता कंफर्म हो जाए कि ये जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा तब आप इसका इस साइड मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, नहीं तो इनइक्वलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि इसको इस साइड लेते आओ, तो क्या करोगे x-1 upon आँख बंद करके लेस देन जीरो, तो यहाँ से x-1 x+5 डिवाइड बाई x+5 लेस देन जीरो होना चाहिए भाई, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब आप ऊपर बोलोगे कितना होगा, यहाँ से ऊपर -6 मिलेगा, -6 upon x+5। एक चीज़ यहाँ से निकल के आ गई, क्या अगर माइनस से मल्टीप्लीकेशन करें तो ये ग्रेटर देन जीरो। अब ये बताइए 6 क्या होता है, 6 तो ग्रेटर देन हमेशा इससे ग्रेटर ही होगा, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव हो गया, क्लियर, और यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन दिखा रहा है वो क्या ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा कहाँ पे, एक्स
दिस इक्वल टू 5 पे, क्यों? क्योंकि जैसे 5 पुट करेंगे क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्लियर है, तो इसका मतलब ये मस्ट होना चाहिए x प्लस 5, समझ के चलना हमेशा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 0 मिल गया, सॉरी x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपका हो गया कि x जो हो गया माइनस 5 से, सॉरी हाँ माइनस 5 से, सही तो है, माइनस 5 से इन्फिनिटी, नहीं यहाँ से कहोगे ना माइनस 5, तो यहाँ से मिल के आया कि x की वैल्यू माइनस 5 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लो वो एक्सेप्टेबल होगी। अगर कभी भी कोई डाउट हो ना, इसमें से कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे 0 ले लो, 0 लेके पुट करके देख लो, ठीक है, कि ये जो आपको एक्सेप्टेबल है कि नहीं आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, अब माइनस 5 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये तो क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोला है, अब देखो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि डोमेन, अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन मिलेगी x माइनस 5, अब यहाँ पे भी दो फंक्शन हो गए ऊपर पॉजिटिव की निगेटिव, लेकिन नीचे वाला तो क्लियर है कि x प्लस 5, अगर ये क्लियर है कि x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इस वाले पे सोचना नहीं है कि x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 ही एक्सेप्टेबल हो, दूसरा वाला केस अगर लेस देन 0 वाला लोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इसके लिए। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो अननेसेसरी उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ से एक चीज़ क्लियर है ना कि ये चीज़ एक्सेप्ट, ये मस्ट भी होनी चाहिए, नहीं मस्ट होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला केस अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मस्ट है, तो इसका मतलब ये होना पड़ेगा कि ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ में आया कि नहीं? नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे फिर, वही अगर इसको एक एक्स माइनस वन, इसको ऐसे भाई ऐसे ही करोगे ना, ऐसे है तो यहाँ पे कहोगे सर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तब पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव तब पॉजिटिव, तो दो केस बनेगा, एक केस यहाँ से, एक केस यहाँ से। इस वाले पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आया क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप फोकस करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्यों? क्योंकि पहले वाले में तो क्लियर है कि ये इससे नीचे हो ही नहीं सकता, तो अगर आप इस पर कर भी करोगे भी तो टाइम वेस्ट होगा और लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। नहीं, जब इंटरसेक्शन लोगे पूरे होल का, तो उसमें ये वाला पोर्शन, ये वाला जो इसका सेकेंड वाला होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्यों हम डिस्कस कर, क्यों हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सिर्फ इस वाला फर्स्ट केस ही डिस्कस करो, सेकेंड केस डिस्कस मत करो, रीजन के साथ, ठीक है। ये नहीं कि रटना शुरू कर दिया सर वहाँ पे ऐसे किया था तो वहाँ पे ऐसे, नहीं, हमेशा समझ के। तो ये तो एक्सेप्टेबल है, तो इसका मतलब x माइनस वन क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मिला x इज 1 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से मिलेगा 1 से इन्फिनिटिव, और ठीक है, पहले वाले केस से ये मिला, दूसरे वाले केस से ये मिला, तीसरे वाले केस से ये, तो सबका क्या करोगे, इंटरसेक्शन जिस पे तीनों राजी हो जाएं, ठीक है। ये बोला है माइनस 5, अच्छा तो माइनस 5 है तो गोला माइनस 5, ये 1 पे गोला, ठीक है, और ये प्लस माइनस 6 कहीं होगा, ठीक है, अच्छा माइनस 6 किधर होगा, इधर होगा ना, माइनस 6 इधर होगा, ठीक है, और इधर प्लस 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखते हैं इनके करस्पॉन्डिंग माइनस 5 से इन्फिनिटिव, ये बोला ये वाला एक्सेप्टेबल है, ये कह रहा है 1 से इन्फिनिटिव, ये बोला ये एक्सेप्टेबल है, ये बोला है कि हमको सब एक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो तीनों किस पे राजी हैं, ये इस वाले पोर्शन से, 1 से इन्फिनिटिव एक्सेप्ट 6, ठीक है। तो यहाँ पे बनाओगे x जो हो बनाएगा 1 से इन्फिनिटिव एक्सेप्ट 6, तो कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे। तो मतलब डोमेन हो गया आपका, ये जो हम x लिख देते हैं यही डोमेन है। कुछ लोग कहेंगे सर डोमेन अलग से लिख दो, ठीक है, ठीक है, बना लो इसको, बहुत सिंपल सी बात है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज़ अ मोर इफेक्टिव मैनर, कौन सा मैनर इफेक्टिव है सॉल्व करने का, उसको पकड़ के रखो जैसे हमने कराया है, ठीक है, बना लो इसको।
अब यहाँ आपके क्वेश्चन है कि log 10 साइन x माइनस 3, ठीक है। अब चलिए ये फंक्शन दिया हुआ है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। साइड में ये हमेशा एक चीज़ तो लिख लेनी है, a एट बेस b, a जो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो जो होना चाहिए, b इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और b ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मस्त कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे दिखा इससे पूछो क्या प्रॉब्लम है सर, कोई प्रॉब्लम है? तो ये बोल रहा है कि सर हमारा टारगेट ये है कि ये जो वन है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा, अब इसके अंदर जाओ, साइन से पूछो कि साइन से पूछो कि x माइनस थ्री जो अंदर है उसके बारे में क्या ख्याल है, तो वो बोलेगा तो हम तो सब सभी जगह एक्सेप्टेबल हैं, नहीं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा बेसिकली हमको फोकस सिर्फ इस पे करना है, ठीक है। अब जैसे देखो साइन हो या एक्स स्क्वायर प्लस 4x इस टाइप का प्रॉब्लम हो, इस टाइप क्वेश्चन हो, तो इन सब के लिए x से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ वो सभी x के लिए क्या एक्सेप्टेबल होते हैं। तो दैट्स वाई उनका x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो फोकस किस पे करना है कि ये बोला है जो कि ये मस्ट भी होना चाहिए। अब देखो कुछ भी नहीं समझ में, गो टू द बेसिक। आप अगर ऐसे बनाते चलोगे तो लाइक दिस वन बनाता है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई साइन का ग्राफ ऐसा ही है, इधर भी चलता चला जाएगा। ये क्या होता है 1, ये -1, नहीं अगर सिर्फ ऐसा लिखा हो तो साइन थीटा का, तो साइन थीटा लिखा है तो साइन के इसका है क्या 1, तो बस यही यहीं तो बनेगा, मतलब हाईएस्ट। ये तो बोला ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, इस वाले पोर्शन अभी हम सिर्फ सिंपल वाला ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे क्या, कहाँ से कहाँ तक, ऊपर वाले पोर्शन की बात हो रही है, मतलब जीरो से ऊपर वाला, ठीक है, जीरो से ऊपर वाला। तो यहाँ से अब आपको क्या बनेगा, अगर सिर्फ इसकी बात करो, उसको छोड़ दो, इस पे पकड़ो एकदम फंडामेंटल पे, तो आप कहोगे कि x माइनस थ्री जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक, इस वाले पोर्शन में जीरो से पाई तक, नहीं जीरो से पाई तक के बीच में होना चाहिए। x माइनस थ्री कैसा होना चाहिए, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो बस कुछ नहीं, अब इस एक्स हमको तो एक्स देखना है, तो क्या करो हर दोनों साइड 0 + 3x सब में +3 + 3 ऐड कर दो, तो ये तो x हो जाएगा सिर्फ, तो x की वैल्यू इन बिटवीन 3 से पाई प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 से पाई प्लस 3, दिस इज द फाइनल आंसर। तो डोमेन क्या मिला है, यही हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो भी है फंक्शन ऐसे ले लो, लॉग नहीं ऐसे पूछ सकते हैं, साइन लॉग एक्स माइनस थ्री, उलट दिया और बेस 10, यही क्वेश्चन है, बस इसको यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो साइन से पूछो, आपके पास ये जो हैं इनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये बोलेगा कि इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो तो माइनस इनवर्टी सब के लिए है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी कोई फंक्शन इस टाइप का आए, ठीक है, जैसे पाइनोमियल में जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 5, या ऐसे जो भी इसके अंदर कुछ भी लिखा हो +4 sin x, ठीक है, कुछ भी है, मतलब ये कहने का मतलब ये जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स नहीं प्लस 5 टाइप का, इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे, तो पहले ये देखो इसके पावर कैसा बन रहा है, ये पॉइनोमियल टाइप का है, पॉइनोमियल के लिए क्या है, सभी जो भी होगा वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। तो बेसिकली हमको सीधे फोकस करना है कि इसके अंदर जो लिखा है उसका डोमेन क्या है, जो डोमेन बनेगा उसका वही डोमेन पूरा हो जाएगा पूरे के लिए, नहीं क्योंकि पहले के लिए तो सभी सबके लिए एक्सेप्टेबल है, नहीं अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें तो आप कहोगे ना कि पहले इससे पूछो जो एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप का जो लिखा है, तो ये तो बोलता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 5 है, तो एक्स यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स कहेगा कि हम तो सबके लिए एक्सेप्टेबल, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी,
ठीक है, तो इस पर सीधे बोलो डोमेन आर हो गया। लेकिन अगर एक्स की जगह कोई ऐसा आ गया कुछ इस टाइप का साइन एक्स, ये भी खैर है वही है, अगर मान लो जी एक्स प्लस इस टाइप का आ गया, या यहाँ पे लिख दिया लॉग समथिंग, ठीक है, तो बेसिकली हमारा टारगेट होगा डोमेन जो निकालना है इसका, वो बेसिकली किसका डोमेन निकालना है, बेसिकली जी एक्स का डोमेन निकालना है। तो जब भी इस टाइप का दिखे, तो ये तो सबके लिए है, तो हमको बेसिकली डोमेन किसका निकालना है, डोमेन निकालना है डोमेन ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो इसी तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और पहला फंक्शन बोल रहा है कि उसके लिए सभी वो आर के लिए एक्सेप्टेबल है, तो बेसिकली किस पे फोकस करना है, फिर अंदर वाले पे, नहीं तो फिर वो क्या होगा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना, ठीक है। तो ये क्या, इसकी क्या खास बात होनी चाहिए, फिर वही कि एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से, तो यहाँ से मिल गया कि x की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी, नहीं यहाँ से मिल गया 3 से इन्फिनिटी, तो ये हो गया डोमेन, दैट इज डोमेन, बना लो इसको। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे लॉग ऑफ कॉस एक्स और बेस एक्स है, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज कि हाउ टू रिजॉल्व इट, नहीं क्या करोगे, इसकी क्या खास बात होनी चाहिए और इसकी क्या खास बात होनी चाहिए, ये बोलेगा कि लॉग एक्स और एक्स, देखो एक्स के बारे में क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वन और एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से मिलेगा जीरो से इन्फिनिटिव एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के, यहां से ये बोलेगा कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं। अब देखो कॉस एक्स यहां पे साइन की जगह क्या है, कॉस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, तो कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दो, नहीं आप क्या करोगे, कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दो। कॉस एक्स का जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा, देखो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है, अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देख रहे हैं, ऐसे से बनता चला जाएगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग आगे भी चला जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग इधर भी बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो किधर मिलता है, ये देखो माइनस पाई बाई टू से जीरो, ये प्लस पाई बाई टू, ठीक है, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये टू पाई, चीज़ें ऐसे ही बनती हैं, नहीं कॉस एक्स के करस्पॉन्डिंग बात करें। अब माइंड में आता है कि ठीक है, जब आप कॉस एक्स के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो इसके इसके लिए क्या बनेगा, ये बोला है कि कॉस एक्स क्या होना चाहिए, कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। अब माइंड में आता है कि सर जब आप इसकी बात करें और इसकी बात करें, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, चाहे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, आप कहोगे कि सर ये भी ग्रेटर देन जीरो है, और इधर भी बनाओगे तो ये बनेगा लाइक दिस वन, दिस वन के करस्पॉन्डिंग, भाई कॉस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये वाला पोर्शन जो भी है, ये कितना है, वन है, ठीक है। हमको जीरो से ऊपर देखना है, क्या देखना है, जीरो से ऊपर देखना है, ठीक है। जब एक्स की बात करेंगे तो एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, कुछ लोगों के माइंड में आता है कि सर एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो, कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में हो, कि किसके बीच में हो, नहीं इसके करस्पॉन्डिंग, सिर्फ इसके बात करो तो ये बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग बात करो तो ये बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग बात करो तो ये बनेगा। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि अगर आप माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लेते हैं, नहीं इसके करस्पॉन्डिंग कहोगे तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू करस्पॉन्डिंग, ठीक है, बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन, ये बोलेगा इसके करस्पॉन्डिंग और इन दोनों का मिला के करो, ठीक है। अगर दोनों को मिला के इंटरसेक्शन लेंगे तब क्या बनेगा, आप कहोगे कि एक्स की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटिव होनी चाहिए, जीरो से इन्फिनिटिव एक्सेप्ट वन,
वन को छोड़ के, ठीक है। अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये जो वैल्यू आती है दैट इज 1.57 करके देख लो, 3.14 को डिवाइड कर 2 के करस्पॉन्डिंग, 2 से, तो ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो इतना तो फिक्स है कि ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमको कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इधर वाली, और उसमें भी 1 को छोड़ के, ठीक है, उसमें भी 1 को छोड़ के, ठीक है। तो डोमेन जो बनेगा वो बनेगा 0 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 1, तो डोमेन हो गया आपका जिस पे दोनों राजी हो जाएंगे, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 और ये एक्सेप्ट 1, बना लो इसको बहुत सिंपल वे में, ठीक है। मतलब कहने का है इसके हिसाब से चलोगे तो ये बोला था माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक है, मतलब बना दो ऐसे, नीचे दिक्कत हो रही तो यहाँ पे ये दिस वन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ये बोला था, ठीक है। देखो बहुत सारे तरीके हैं समझने के, जिससे समझ में आ जाए, आपको ग्राफ समझ में आता तो इससे चलो। और ये बोला है 0 से इन्फिनिटी, अब 0 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा 0, अब इसमें दिक्कत हो रही तो माइनस 1.52 कर लो और ये प्लस 1.52 है, और इधर कहीं 1 होगा, ये 0 है, ठीक है। ये बोला 0 से इन्फिनिटी, ये बोला इधर वाला एक्सेप्टेबल, और ये बोला है कि ये वाला, तो दोनों किस पे राजी हैं, इस वाले पोर्शन पे नहीं, 0 से पाई बाई 2 पे, और एक्सेप्ट 1 को, 1 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बना लो, सिंपल है। दोनों को बारी बारी से पहले इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, और फिर दोनों को मर्ज कर दो, ठीक है, मर्ज नहीं सॉरी, दोनों से, दोनों को देखने के बाद एक तो ये है कि तरीका इससे देख लो, दूसरा तरीका ये, अपने पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके रखने पड़ते हैं कि किससे ज़्यादा इफेक्टिव और मोर में इफेक्टिव मैनर में आंसर आ जाए। और फिर निकालने के बाद रीचेक भी जरूर कर लो, अगर आपको कहीं डाउट है ना, तो इन दोनों के बीच में A1 को छोड़ के कोई वैल्यू पुट करके देख लो कि सर एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, नहीं एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब गड़बड़ कुछ है। तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो गया, तो ये हमने सिर्फ यही पोर्शन देखा, नहीं तो आप इस वाले पोर्शन में बात कर सकते हो, वैसे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी, ठीक है, खैर बना लो इसको। अभी हम चूंकि इजी वे में बता रहे हैं तो दैट्स वाई, अब जैसे डिफिकल्टी धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे तो इसमें चीज़ें और चेंजेस करते जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, पहले जो बता रहे हैं बस वही फॉलो करो। चलिए हमारे पास टारगेट है कि साइन लॉग ऑफ जो भी है फंक्शन में एट बेस 10 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या माइंड में आता है, हमने क्या बताया था, गो टू द बेसिक, जो भी इसके अंदर है पहले इससे पूछो कि भाई तुमको इस आपके अंदर जो फंक्शन है उसको उससे कोई प्रॉब्लम है क्या, कर नहीं सर ये तो इसके लिए तो सभी, ये किसका पॉलीनोमियल टाइप का फंक्शन टाइप का है नहीं, अगर साइन एक्स को ब्रेक करो तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस एक्स के पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 इस टाइप का बनता है, तो पॉलीनोमियल है, तो पॉलीनोमियल के करस्पॉन्डिंग हमने बताया था उसके अंदर जो फंक्शन है उस पर फोकस करेगा। तो इसके लिए बेसिकली इसका अगर डोमेन निकालना है तो बेसिकली हमको किसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन, तो जो इसका डोमेन होगा वो पूरे होल सिस्टम का हो जाएगा नहीं, तो डोमेन एक्चुअली बेसिकली हमको किसका निकालना है, लॉग ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है, इस पर इसका डोमेन देखना है। अब पूछो लॉग से कि भाई अब आप तो अब इसको भूल जाओ, बस इस पर फोकस करो, ठीक है। फिर वही बात, लॉग में है तो लॉग ए एट बेस बी साइड में जरूर लिखो, जितने हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको भी आता तो ये नहीं, हम चाहते तो एक ही तरह लिख के काम खत्म कर देते, आप जितनी बार लिखोगे
वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। देखा नहीं, अब इस लॉग से पूछा भाई तुमको 10 है, बेस 10 है, कोई दिक्कत नहीं, फोकस किस पे करना है, इस पे। तो ये जो भी है ये बोलेगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0। ये तो बात हो गई लॉग के अंदर जो फंक्शन था, ठीक है। ये बोलेगा भाई ये, अब ये नहीं कि बात यहीं पे ख़त्म हो गई, अब इसके अंदर जाओ भाई, ये लॉग ए एट बेस बी है, तो ए से पूछोगे, चूंकि लॉग ने बोला कि जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। फिर चूंकि अब यहाँ पे ए के अंदर जो है वो भी तो फंक्शन बाई फंक्शन टाइप डिवीजन टाइप का है ना, तो इससे पूछो ये क्या होना चाहिए। ये बोलेगा अंडर रूट वाला कि सर हमें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसके अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये वाला मना कर देगा, नहीं, क्योंकि जैसे ही ये 0 के बराबर होगा लॉग 0 ख़त्म कहानी हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला पोर्शन लोगे। फिर दूसरा 1 माइनस एक्स, ये भी कहेगा कि सर हमको नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, ये नहीं होना चाहिए, नहीं माइंड में ये आता ना, सबसे पहले चीज़ें यही निकल के आती हैं कि ये कहेगा कि सर नहीं, ये बोलेगा कि मुझे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 से प्रॉब्लम है, ये बोला 1 माइनस एक्स, तो ठीक है जो बना दिया, देखेंगे बाद में। अब बात करते हैं इन दोनों पे, तो पहले इस पे फोकस किया करो, जब भी आप इधर से इधर जाओ ना तो कोशिश किया करो कि यहाँ से चलो, क्योंकि यहाँ से अगर चलते हैं ना बाहर से अंदर की तरफ तो बाहर वाले से ये कंडीशन मिल जाती है कि हो सकता है अंदर वाले को सॉल्व करना भी ना पड़े, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से एक चीज़ तो फिक्स है कि ये बोलेगा अंडर रूट में जो भी होता है, एक तो चीज़ फिक्स है कि इसके अंदर जो भी जैसे जी एक्स है तो ये क्या है, मस्ट भी होना चाहिए, ये तो मस्ट है, नहीं मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, नहीं अंडर रूट में कोई फंक्शन है तो एक्सेप्टेबल तभी होगा जब वो पॉजिटिव होगा, रियल नंबर तभी देगा ना, इसका मतलब ये वाला पोर्शन फिक्स हो गया कि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मस्ट भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये क्या मिलेगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऊपर वाला क्लियर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से अगर माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, नहीं यहाँ से लेस देन 1 हो गई। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से आपको क्या मिला कि एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से 1 के बीच में होनी चाहिए, ये बोला, यहाँ से आपको ये चीज़ तो मिल गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। दूसरा ठीक है, पहले क्लियर हो गया, अब आते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे बात ख़त्म अब, ठीक है हमको अब आते हैं यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दो लेस देन 0, यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ज़्यादा देखने की जरूरत, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बोलो मेथड इंटरवल से इक्वलिटी, आँख बंद करके नेक्स्ट टारगेट पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव सबके पावर क्या है ऑड है, दैट्स वाई ऐसा लिख दिया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब कौन सा ये लेस देन है तो मतलब ये वाला पोर्शन, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या कहाँ मिल गई माइनस 2 से प्लस 2, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। तो ये बोला यहाँ से ये कंडीशन निकल गई, यहाँ से ये कंडीशन निकल गई और यहाँ से ये कंडीशन निकल गई, 3 से 3 कंडीशन निकल गया आगे। तो हमने क्या बोला एक्स की ऐसी वैल्यू लेना है जो सबके लिए क्या एक्सेप्टेबल हो, तो सिंपली क्या करो ड्रॉ करें लाइन, हाँ माइनस 2 चाहते तो एक ही बना लेते लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस 2 1 2, ये बोल रहा है कि मुझे ये एक्सेप्टेबल है,
ये बोल रहा है कि सर मुझे तो ये वाला एक्सेप्टेबल है, और ये बोल रहा है कि सब एक्सेप्टेबल है वन को छोड़ के। नहीं, वन को छोड़ के हमको सब एक्सेप्टेबल है, मतलब यही वाला। ठीक है, तो हमको कॉमन कौन सा मिला, ये पोर्शन जिस पे सभी राजी हैं। तो आप कहोगे कि माइनस टू से वन, बस काम खत्म, दैट इज डोमेन। ये क्या हो गया, दैट इज डोमेन, दिस इज द फाइनल आंसर। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को पकड़ के रखना है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा है सर क्लियर है कि नहीं कि कैसे सॉल्व किया, ये जो भी है प्रोसीजर, हमेशा पहला टारगेट कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और ये चीज़ें ऐसा है नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे करते करते जाओगे अपने आप दिमाग में बैठते जाएंगे। ठीक है, बना लो इसको।